दोस्तों, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार हो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, अगर कसौली आएगा तो इनके यहाँ विजिट जरूर करेगा इनका स्पेशल बर्गर खाने। आप सोचोगे ऐसा क्या है खास बर्गर में, तो यहाँ मिलता है गुलाब जामुन वाला बर्गर, जिसको खाने के लिए बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी हो, चाहे बड़े से बड़ा राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, यहाँ पर इनका ये गुलाब जामुन वाला बर्गर खाने जरूर आएगा। 50 साल पुरानी मैं शॉप के अंदर लेकर आया हूँ, कीमत होती है बर्गर की सिर्फ 50 रुपये, पर इतना स्वादिष्ट बर्गर यहाँ पर मिलता है। साथ में मिलता है आपको टिक्की वाला बन या समोसे वाला बन, और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत बढ़िया मिलती है, वो है भैया जी की जलेबी। कसौली के अंदर सबसे फेमस, सबसे मशहूर दुकान के ऊपर मैं लेकर आया हूँ, पूरी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर बर्गर को तवे के ऊपर गरम करके कट लगा कर दिया जाता है, कीमत होती है बर्गर की 50 रुपये। चलिए अंकल जी से बात करते हैं और जानते हैं इस जगह के बारे में। तो नाम बता दीजिए पहले अंकल जी। मेरा नाम निर्मल कुमार। निर्मल जी, जी तो कितना टाइम हो गया अंकल जी ये शॉप को? सर हमें हाफ सेंचुरी होने वाली है। हाफ सेंचुरी, 50 साल। जी जी जी। तो क्या क्या आइटम मिलती है यहाँ पे? हमारी जो स्पेशलिटी है बन समोसा, बन गुलाब जामुन और गरम गुलाब जामुन, जलेबी। जलेबी ये हमारी स्पेशलिटी है। ये स्पेशलिटी है जी। तो साथ में ये छोले देख रहा हूँ मैं। देखिए ये छोले, ये भी बन समोसे के अंदर भी करते हैं, बन टिक्की के अंदर भी करते हैं। बन टिक्की लो, बन समोसा लो, इसके अंदर भी चलेंगे छोले जी। क्या प्राइस क्या रहता है? 50 रुपीज है जी आजकल इसका। 50 रुपीज बन समोसा, बन गुलाब जामुन का भी सेम? जी 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 जी। अच्छा, सभी का रेट आपने 50 रुपए रखा हुआ है? टिक्की लो तो भी 50। जी जी। तो ये फिक्स शॉप हो गई 50 रुपए वाली। तो ये देखो दोस्तों, ये है भैया जी की मीठी मीठी गुलाब जामुन। चाहे तो आप सिंगल गुलाब जामुन ले सकते हो, चाहे बर्गर के अंदर इसको आप डलवा कर भी खा सकते हो, कीमत रहेगी 50 रुपये। अगर आप सिंगल लेते हो तो कीमत है 30 रुपये। यहाँ पर हमेशा खचा खच भरे रहते हैं। ये देख लो, बर्गर्स इतनी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर होते हैं कि सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। आपको हर वक्त इस शॉप के अंदर आपको भीड़ नजर आएगी, चाहे लोग अंदर बैठे हैं, चाहे लोग बाहर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुलाब जामुन के अलावा यहाँ भैया जी के पास दो चटनी होती है, हरी और इमली की मीठी चटनी। ये किस चीज की चटनी है भैया? ये हरी चटनी है। नहीं, पुदीने की। धनिया, पुदीना, जीरा। और ये किस चीज की? ये इमली की चटनी है। ये इमली की। तो ये है भैया जी के पंजाबी छोले। चाहे आप टिक्की लगवाओ, समोसा लगवाओ, उसके अंदर आपको छोलों की फीलिंग जरूर डाल के दी जाएगी। तो अगर आप कसौली आए तो इस जगह विजिट करना ना भूले, ये जगह हमेशा खचाखच भरी रहती है। अखबारों में भी भैया जी का नाम आता है, साइड स्क्रीन आप देख सकते हो, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार कौन कौन से अब तक आ चुके हैं, कौन कौन से राजनेता अभी तक आ चुके हैं, सबकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सीट नहीं मिलेगी बैठने को, अगर ये खचाखच पूरा भरा रहता है तो कई बार यहाँ लोगों को बाहर वेट करके ही खाना पड़ता है। दूर दूर से आते हैं यहाँ पर लोग इनके बन खाने के लिए। ये देख लो, तवे के ऊपर गरम कर आपको बन दिया जाता है, चाहे आप टिक्की डलवाओ, समोसा डलवाओ, चाहे डलवाओ गुलाब जामुन। बहुत ही कम प्राइस के ऊपर आपको दिया जाता है। कई शहरों में गुलाब जामुन वाले बर्गर 150 से 200 रुपए में मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपए का मिल जाएगा। ये देख लो भैया जी, यहाँ पर कितनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बन लगा रहे हैं, और कट कर आपको सर्व किया जाएगा, साथ में दी जाएगी हरी चटनी और मीठी चटनी। तो अगर आप कसौली आए तो नरेंद्र स्वीट्स पे जरूर विजिट करें, अगर अभी तक आप लोगों ने विजिट नहीं करा है भैया जी को। एक के बाद एक यहां पर ऑर्डर लगता जा रहा है, आप देख सकते हो ट्रे में कितने सारे ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर लग रहे हैं, और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिनको खाना है तो वो नरेंद्र स्वीट जरूर आएगा कसौली के अंदर। तो ये देख लो, यहाँ पर बन के अंदर आ गई है सबसे पहले मीठी चटनी, उसके बाद आ गई है भैया जी की हरी चटनी, ऊपर रख लिया भैया जी ने समोसा, और ऊपर आ गए छोले।
बहुत ही लाजवाब बढ़िया छोले भैया जी के पास। अब ये बन को तवे के ऊपर गरम किया जाएगा और कट लगाकर सर्व किया जाएगा। चाहे आप टिक्की डलवाओ, समोसा डलवाओ, आपकी अपनी चॉइस है। पर अगर आप यहाँ पर आए, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं इनका गुलाब जामुन वाला बन खाने, तो वो जरूर ट्राई कीजिएगा भैया जी का यहाँ आकर। आप कसौली की कोई भी वीडियो भैया जी की देख लीजिए, नरेंद्र स्वीट के नाम से इतने फेमस है भैया जी कि अगर फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, कसौली आते हैं तो इस जगह जरूर आते हैं एक बार अपना बन खाने। कंटिन्यूसली भैया जी का हाथ चलता जा रहा है, आप देख सकते हैं। बारह बजे के बाद यहां पर मिलेगी आपको जलेबी। तो ये थी दोस्तों नरेंद्र स्वीट की शॉप, शॉप नंबर 9 कसौली के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। लव यू गाइस।